समय का सदुपयोग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे गे कब। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में समय के महत्व की चर्चा की गई है। इस संसार में प्राय सभी चीज़ों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, पर समय का एक पल भी बढ़ा पाना मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए समय इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसलिए मानव का कर्तव्य है कि वह समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करे। समय का सदुपयोग हमारे जीवन में सफलता की कुंजी है। यह जीवन तो नश्वर और अनिश्चित है, इसलिए प्रतिदिन समय का सही सदुपयोग करते हुए हमें जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो समय बर्बाद करता है, समय उसी को बर्बाद कर देता है। जो इसका सम्मान करता है, इसके एक एक पल का सदुपयोग करता है, समय उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। समय को बर्बाद करने वाले मनुष्य सुअवसर हाथ से खो जाने पर सिर धुन कर पछताते रह जाते हैं। समय के सदुपयोग के कारण ही अनेक वैज्ञानिक अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार करने में समर्थ हुए। मानव सभ्यता के विकास की कहानी भी समय के सदुपयोग की कहानी कहती है। विद्यार्थियों के लिए तो समय बहुत ही उपयोगी है। समय का सदुपयोग करने वाला विद्यार्थी ही ज्ञान प्राप्त करता है तथा इसी ज्ञान के बल पर जीवन में कुछ बन जाता है। इसके विपरीत जो विद्यार्थी अपने बहुमूल्य क्षणों को खेलकूद, मौज मस्ती अथवा या आलस्य में नष्ट कर देता है, उसका भावी जीवन उतना ही अंधकारमय हो जाता है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, जगदीश चंद्र बसु, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि नेता समय का पूरी तरह से सदुपयोग किया करते थे और इसलिए इतने महान बन गए। समय के दुरुपयोग से व्यक्ति आलसी तथा निकम्मा बन जाता है तथा पग पग पर उसे असफलता तथा निराशा का मुंह देखना पड़ता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। समय का सदुपयोग करने वाला मनुष्य जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति करता है और समय की उपेक्षा करने वाला मनुष्य कभी सफलता नहीं पाता। समय एक देवता है जो यदि प्रसन्न हो जाए तो सिकंदर बना देता है, पर यदि कुपित हो जाए तो समूल नाश कर देता है।